एक वक्त की बात है, किसी एक गांव में एक व्यापारी रहता था। वह अपना पेट भरने के लिए गांव-गांव जाकर टोपियां बेचा करता था। वह रोज सुबह टोपियों से भरी टोकरी लेकर जाता और शाम को वापस आ जाता। इसी तरह से उसका गुजारा चल रहा था। एक दिन की बात है, वह रोज की तरह टोपियां बेचने निकला हुआ था। रास्ते में उसे थकान महसूस हुई। उसे एक पेड़ दिखा तो उसे मन में हुआ कि वह थोड़ा सा आराम कर लेगा तो उसे ठीक लगेगा। वह टोकरी को पेड़ के नीचे रखता है और थोड़ी देर के लिए सो जाता है। जिस पेड़ के नीचे व्यापारी सोया हुआ था, उस पेड़ पे बहुत सारे बंदर थे। बंदरों ने टोकरी को देखा तो सारे बंदर नीचे आ गए और सभी बंदर एक एक टोपी लेकर पेड़ पर चढ़ गए। व्यापारी अभी भी सो रहा था। थोड़ी देर बाद व्यापारी की नींद खुली। उसने देखा कि पूरी टोकरी खाली पड़ी है। उसने यहाँ वहाँ नजर दौड़ाई। वह सोच ही रहा था कि इतनी सारी टोपियां भला कौन ले जा सकता है। अचानक उसकी नजर पेड़ पर पड़ी। उसने देखा कि हर एक बंदर के सिर पर टोपी थी। अब व्यापारी सोच में पड़ गया कि इतनी सारी टोपियां वापस ले तो कैसे ले। अचानक व्यापारी के मन में एक विचार आया। व्यापारी ने अपने सर से टोपी उठा के नीचे फेंक दी। हम सभी लोग जानते हैं कि बंदर हमेशा हमारी नकल करते हैं। व्यापारी को टोपी उतारता देख सारे बंदरों ने अपनी टोपियां नीचे फेंक दी। जैसे ही बंदरों ने अपनी टोपियां नीचे फेंकी, व्यापारी ने एक एक करके सारी टोपियां समेट ली और अपनी टोकरी भर ली। टोपियां मिलने पर व्यापारी बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी वहां से जाने लगा। किसी भी परिस्थिति में हमें घबराना नहीं चाहिए। हर हाल में हमें समझदारी से ही काम लेना चाहिए।